नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त प्रियंका गांधी से। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक लगातार बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सियासी हवाओं का रुख बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने से स्थितियां बदल रही हैं और फिलहाल प्रियंका गांधी ही हैं जो कांग्रेस पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव में जीत दिलवाएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल अचानक कैसे बदले, उत्तर प्रदेश की चुनावी स्थितियां कैसे बदली। और तो और फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश में हालात अलग होते क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी की एंट्री जब से उत्तर प्रदेश में हुई है, दरअसल प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला है तब से यही देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से जनता प्रियंका की तरफ झुक रही है, प्रियंका गांधी के आने से जनता कांग्रेस की तरफ झुक रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रति झुकाव होना, कांग्रेस की तरफ झुकना ही ये बताता है कि आने वाला समय प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है, प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के लिए बहुत हद तक काम किया है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वाकई में बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी ने बदलाव किया है। प्रियंका गांधी महिलाओं के समर्थन में बात करती नजर आ रही है, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने से जो बदलाव हो रहा है यही बदलाव है जिसका फर्क आने वाले समय के चुनाव पर दिखेगा, जिसका फर्क आने वाले समय के लोकसभा चुनाव पर दिखता नजर आएगा। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को बखूबी तरह से निभाया है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना देना चाहिए। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन सकती हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से अभी कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें बड़े स्तर पर काम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये दिखता भी चला आ रहा है कि प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक जिम्मेदारियों को संभाल रही है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पहले ही ये बात कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंप देनी चाहिए, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की कमान दी जानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भविष्य को वो सुधार सकती हैं। तो यहाँ पर मौजूदा समय के जो हालात हैं वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए दिखते नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए दरअसल अगर बात करें एक समय वो भी था जब कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख नहीं रहे थे, कांग्रेस के वोटरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन आज बीजेपी के वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। आप समझिए चीज़ों को कि जो बीजेपी के वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू हो गए। कांग्रेस के वोटर तो कांग्रेस के साथ जुड़ ही रहे, लेकिन बीजेपी के वोटर्स का बदलना, बीजेपी वोटर्स का कांग्रेस की तरफ जाना ये बताता है कि फिलहाल वाकई में बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदल रही हैं। यानी कि बीजेपी के वोटर ही अब मोदी सरकार से नाराज हैं क्योंकि देश में जीएसटी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो सरकार जो जनता को उठाने पड़ रही है। उस जनता में बीजेपी के वोटर भी हैं, उस जनता में वो भी हैं जो मोदी सरकार को सपोर्ट करते। तो आप ये समझिए कि पूरी जनता पर कितना बड़ा भार दिखता नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस सरकार में जनता खुश नहीं रहेगी, जिस सरकार में जनता के लिए काम नहीं होगा, वहाँ पर जनता सरकार बदलने का काम करेगी, वहाँ पर जनता सरकार से अलग होती नजर आएगी। और आज जनता सरकार से अलग हो रही है, आज जनता ये फैसला कर चुकी है कि एक बार फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका नहीं देंगे, एक बार फिर हम बीजेपी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसने 2014 से अब तक देश की जनता को दुखी कर रखा है, ये वही बीजेपी है जिसने देश की जनता के लिए परेशानी खड़ी की है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। जनता का कांग्रेस के प्रति झुकना, जनता का कांग्रेस के प्रति दिखना, ये इशारा करता है कि फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत शुरू हो रहे हैं, शुभ संकेत शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो नए स्तर पर काम किया जा रहा, आने वाले समय में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, इस सदस्यता अभियान में पार्टी के अंदर कई युवा नेताओं को शामिल किया जाएगा, इस सदस्यता अभियान में पार्टी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं ना, यही बदलाव हैं जो बहुत बड़े हद तक आगे दिखते नजर आएंगे, यही बदलाव हैं जो बहुत बड़े हद तक पार्टी को फायदा पहुँचाएंगे। दरअसल अगर हम यहाँ पर बात करें तो आने वाले समय की स्थितियाँ ही इस ओर बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी को मौका देना
जनता के लिए सही होगा, क्योंकि बहुत हद तक जनता ये कह रही है कि अगर देश को बचाना है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, तो मौका देना पड़ेगा, मौका कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि जनता कह रही है मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ। इस तरह के नारों का इस्तेमाल होना, मतलब जनता आज परेशान है, जनता आज दुखी है, इसीलिए कांग्रेस की ओर आस लगाकर देखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि विपक्ष में वो अकेली ऐसी पार्टी है जिसे इतना बड़ा मौका मिल रहा है, विपक्ष में अकेली वो एक ऐसी पार्टी है जिसे इतना बड़ा जो है चांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जनता अगर बहुत हद तक कांग्रेस के साथ दिख रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है, तो इसका अच्छा फायदा दिखेगा, इसका अच्छा असर दिखता नजर आएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हम बात करें, वो कांग्रेस पार्टी जो बीते काफ़ी महीनों पहले पार्टी जो है वो डर रही थी, पार्टी एक अलग थलग पड़ गई थी, पार्टी के नेता अलग थलग पड़ गए थे, उसी पार्टी को मजबूत करने का काम सोनिया, राहुल और प्रियंका ने किया, उसी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टी में अगर एकता बनी रहेगी, पार्टी में इसी तरह से काम होता रहेगा, तो जाहिर सी बातें आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा, जाहिर सी बातें आने वाले समय में इसकी स्थितियां बदलेंगी। तो यहाँ पर तमाम तरह के हालात दिखते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल मौजूदा समय की मैं बात करूँ तो मौजूदा समय इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिखते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है माहौल बन चुका है, बहुत बड़ा हालात जो है वो दिख चुके हैं। प्रियंका गांधी की लगातार रैली, प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा, पार्टी के नेताओं का लगातार सियासी संदेश जाना, चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी का उतरना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो प्रियंका गांधी को मजबूत कर रही हैं। पार्टी के नेताओं का साथ प्रियंका गांधी को मिल चुका है, प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के नेताओं का आना ये बताता है कि प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक काम कर रही है, प्रियंका गांधी बहुत बड़े हद तक रणनीति बनाती नजर आ रही है, और प्रियंका गांधी की इन्हीं रणनीतियों का फायदा आने वाले समय में देखता नजर आएगा। क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट रहेंगे, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।